तुम्हारे कहने के परमाने तो राम साहब की लड़की बहुत तेज मालूम होती है बेटा। हाँ माँ, लेकिन लड़की है बड़ी सुंदर, आदमी देखता ही रह जाए, और फिर जब आएगी तो लाखों का जहेज भी तो साथ लाएगी। तुम चिंता ना करो माँ, तुम्हारा बेटा बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। गजेंद्र बाबू, राव साहब अपनी बेटी के साथ आ गए। आ गए जी। अरे देखो, सुलक्षणा ने अगर राम को तैयार कर लिया तो उसको बोलो फौरन नहीं चले आए। आओ माँ। आइए आइए राव साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र बाबू, नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो आप इस घर में पधारे। अरे भाई, ये घर क्या है, अच्छा खासा महल है। माँ, यह राव साहब गंगाधर जादे और ये उनकी बेटी अंजना देवी। और आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई। बहुत अच्छे गजेंद्र, ये तो दुनिया जानती है कि तुम घर जमाई हो, पर इन्होंने भी यहाँ डेरा डाल रखा, हमें मालूम नहीं था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मेरा मतलब ये था, सास के घर में बहू जाए या बहू के घर में सास आए, बात तो एक ही है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा दीदी, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। मजाल है किसी की जो मेरे राजे भैया का मजाक उड़ाए? देखना रामू, अगर ईश्वर ने चाहा ना तो राव साहब की लड़की तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगी। चलो कपड़े पहन लो। नहीं, मैं जानता हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा रामू। मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। मुझसे ठीक तरह से बात भी तो नहीं होती दीदी, और फिर वो लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। तो क्या हुआ? भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो देखो क्या है, पूरे खाने का सामान आ गया। बेटी मानना पड़ेगा, खूब डट के खातिर हो रही है तुम्हारी। राव साहब, आप हमारी मौसी को नहीं जानते, असली खातिर तो ये बिटिया की करेंगी शादी के बाद। क्यों मौसी? चुप रहो मुनीम, तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? चूक हो गई मौसी, माफ करना। क्यों बेटी, तुम हमारे राम को देखकर यहाना का फैसला करोगी क्या? जी हाँ, क्यों? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसे मैं आंखें बंद करके कैसे तय कर सकती हूँ? भाई ये उल्टी रीत हमारे घर आने में तो नहीं है। तुम समझती हो कि हम किसी लूले लंगड़े को तुम्हारे पल्ले बांध रहे हैं? हो सकता है नहीं भी हो सकता, बाद में पछताने से तो अच्छा है ना कि एक दूसरे को पहले जरा देख दाख लें। क्यों डैडी? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। वो जमाना चला गया बहन, जब लड़कियों को ससुराल के खूंटे से बांधाया करते थे। ये नए जमाने के तरीके हैं, इसमें मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा। चौकस खरी बात है। चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। अरे भाई चाय भी पी लेंगे, पहले लड़के को तो आने दो। लीजिए, कुमार आ गए। आओ राम, आओ। आओ राम, आओ ना। चलो ना मामा। आओ राम। आइए कुमार बाबू, कितने सीधे साधे हैं अपने कुमार बाबू, आजकल के लड़कों जैसी कोई चटक मटक नहीं है। चलिए चलिए कुमार बाबू, चलिए, चलो बेटी, चलो बैठ जाइए कुमार बाबू, बैठ जाइए। बैठ जाओ राम। बैठो ना मामा। दोनों किस तरह चुपचाप बैठे हैं। बेटी कुछ बात करो, बात करो। आपने तालीम कहां तक पाई है? जी बेटी, जब घर में लक्ष्मी जी मौजूद है तो सरस्वती पूजा काहे को, और फिर पढ़ लिख कर कुमार बाबू को नौकरी थोड़ी ही करनी है। राव साहब आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ बेटी, चाय बनाओ, चाय बनाओ। आप शक्कर कितनी लेंगे? मामा चाय नहीं, दूध पीते हैं, दूध। भाई वाकई बहुत ही सीधा लड़का है। बेटी इस बेचारे की प्याली में दूध ही डाल दो।
ले लो भैया। पीलो राम। अरे बेटी तुम्हारी साड़ी का तो सत्यानाश हो गया। चलो चलो चलो। ठहरो बहन, इस तरह यहाँ से मत जाओ। तुमने मेरे भाई को ठीक से देखा नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम इस घर में आ जाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दीजिए। मैं सच कहती हूँ बहन, तुम जैसे जीवन साथी को पाकर उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये घर, ये धन दौलत सब कुछ तुम्हारे हवाले करके हम यहाँ से चले जाएंगे। यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। भगवान की दी हुई सारी संपत्ति का मालिक मेरा राम ही तो है। मैं तुम्हारा हाल जोड़ती हूँ। हाँ कह दो, हाँ कह दो बहन। मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें दीदी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। चलिए ना डैडी, प्लीज चलते हैं बेटी, चलते हैं। सुलक्षा जी आप परेशान ना हो, अंजना थोड़ा घबरा गई है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। अच्छा चलते हैं बेटी, आओ बेटी आओ। नमस्ते बेटी, आओ आइए आइए ना। नारायण जी साहब से सामान ले लो। बलराम जी डैडी का सामान बांध दिया? बांध दिया। कहाँ है वो? ऊपर है। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी आई 2 मिनट में। बैठिए ना। डैडी। अरे भाई क्या है? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। मेरी ये फिशिंग की किताब यहाँ कैसे? ओफो, आप रखिए ना किताब को। आप जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? वो है ना कुमार रामचंद्र, जिनके हम चाय के लिए गए थे उस दिन, वो तो एकदम टार्जन निकले। हम उनको बुद्धू समझ रहे थे, उन्होंने हमको ही बुद्धू बना दिया। वो कैसे? मैं कल की शॉपिंग करके दुकान से निकल ही रही थी, कुछ लोफो लड़कों ने मुझे आ घेरा और लगे बदतमीजी करने। एक ने तो मेरा पर्स छीन लिया था। अच्छा? हाँ, इतने में क्या हुआ ना, ऐसे कैसे कुमार आ गए और आते ही ना आओ देखा ना ताओ ढेर से मारा एक लंबे वाले को और वो धड़ोम से जा गिरा। सबकी ऐसी मरम्मत की कि सबके सब दुम दबा के भाग गए। देखा, मैं कहता था ना कि लड़का शरीफ है। अरे बेचारा उस दिन मौके की नजाकत से घबरा गया। You're right, आप ठीक कहते। चलिए उनसे मिल लीजिए। कुमार नीचे? जी हाँ, मैं उनको साथ ले आई ना। नहीं नहीं, पहले हमारे तुम्हारे बीच एक फैसला हो जाना चाहिए। फैसला? हाँ, लड़का तुम्हें पसंद है? Of course, he's a nice fellow. उसे शादी करोगी? क्या मतलब? मतलब है कि लड़का तुम्हें पसंद है उससे शादी करोगी, तब तो नीचे चलता हूँ, वरना फजूल के आदमियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ओह नो डैडी, डैडी डैडी, यू आर वेरी मीन फेलो। नो नो से कुछ नहीं चलेगा, सीधी बात का सीधा जवाब। बोलो हाँ या ना। लेकिन डैडी, मैंने उस दिन उनके बारे में उल्टा सीधा कहा था ना, उनको मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगा, चलो। भाई वहाँ शहर में घूम रहे हो, कोई खत ना खबर, भले आदमी टेलीफोन ही कर दिया होता। टेलीफोन? अरे टेलीफोन ही कर दिया होता। वो टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? देखिए अब मैं ऐसे ही बगैर कुछ कहे सुने यहाँ पे आदम का तो ये कैसा मजा आ रहा है। भाई मानना पड़ेगा बेटा, उस दिन चाय पे तुमने बड़ा अच्छा ड्रामा खेला हम लोगों के साथ। कौन से दिन? उस दिन वो
अच्छा अच्छा वो उस दिन चाय पे, हाँ वो तो फिर ड्रामा तो फिर ड्रामा ही होता है ना। और देखिए ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही है। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी। वैसे मुझे शौक बहुत है साहब ड्रामे का, ट्रेजेडी का, कॉमेडी का, अलग अलग टाइप के रोल को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के करने का, लेकिन क्या करे को कम वक्त हमको चांस ही नहीं देता है। सुना बेटी, मैं ना कहता था इस संसार में जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता है समझो अवश्य है। वाह वाह, क्या पॉइंट की बात कही है। वो भक्त कबीर भी कह गए यही बात के रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, और वो फिर बीच में कुछ समथिंग 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 देख कबीरा रोया। सुना तुमने, मुझसे फूल झाड़ना। और उस दिन तुम कहती थी वो मुझसे क्या बात करेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। भाई बड़ा मजाक पाया तुमने। बड़े अच्छे वक्त पे आ गए हो, आज ही शाम के प्लेन से हम लोग कोडैकनाल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कोडैकनाल कैसे जा सकता हूँ? भाई जिस तरह यहाँ आ सकते हो वैसे कहीं भी जा सकते हो। सब मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, फिर मैं कपड़े भी थोड़े। अरे भाई वो सब ठीक हो जाएगा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों, क्या ख्याल है बेटी? करेक्ट, चल के जल्दी नहा लीजिए जी, जल्दी चल के नहा लीजिए। मेरा नहाना कोई जरूरी है? अरे भाई तुम भी अजीब आदमी हो, मुझसे इस तरह कोई लड़की कहती मैं तो कुएं में छलांग मार देता। जब ये कहती नहा लो तो नहा लो। नहा लेता हूँ जी। जाओ जल्दी जाओ जाओ। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन डम्बा वीर डम्बा बूर बम्बाशी। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी। I am very sorry, Anjana ji. I am really very sorry. क्या sorry? आपने तो मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। माफ कीजिएगा, भूल हो गई अंजना जी, मैंने देखा ही नहीं ना कि आप आ रही हैं वहां से। ये लीजिए रुमाल लीजिए, पहुंच लीजिए। थैंक यू। इधर भी है। ठीक है ठीक है, मगर मैं ये पूछ सकती हूँ सुबह सुबह ये सर्दी में आप ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अरे मैं वो तो अच्छा हुआ कि मैं घूमते घूमते यहाँ निकला। देखिए ठहरिए मैं आपको बताऊँ। ये देखिए ये आपके नाशपाती के पेड़ है ना, इनको ये वूली एफिस कीड़े खा रहे हैं। वूली एफिस? हाँ ये देखिए ना सफेद सफेद ये रेंग रहे हैं। ये देखिए। अब देखिए अगर मैं इनको ये दवाई मिला के पानी में फौरन स्प्रे ना करता तो आपके बाग का तो ये कबाड़ा कर देते। वाह 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 वाह, आपको तो खेती बाड़ी का भी काम आता है। खेती बाड़ी का भी काम आता नहीं, खेती बाड़ी का ही काम आता है। खेती बाड़ी के नाम पे तो मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? अंजना जी, शुरू में तुम्हें समझा था कि ये एक मजाक है, लेकिन अब जरा मामला सीरियस हो गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अंजना जी फर्ज कर लीजिए आपको ये पता चले कि मैं एक मुफलिस हूँ और मेरे पास वो धन दौलत और मिले फैक्ट्री वैक्ट्रियाँ कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो ना हो, व्हाट डज इट मैटर। अगर आपको ये पता चले कि आप जो समझती हैं कि मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ तो? हमें सब पता है, हम जो समझते थे कि आप हैं वो आप नहीं हैं। एंड थैंक गॉड फॉर इट। कहाँ वो दूध की प्याली हाथ में ली कर रहे थे और कहाँ उस दिन वो ड्रूम 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 कर रहे थे। सुनिए सुनिए, मेरा ख्याल है कि एक स्टोरी के अंदर ना वो कोई दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है। अगर एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है हाँ। तो चलेगा हाँ। हम ऐसे ही ठीक है। अंजो चला भाई, नाश्ता तैयार है। लीजिए चाय पी लीजिए। चाय? नहीं नहीं चाय नहीं जी, नहीं चाय नहीं। अगर मैंने चाय पी ली तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं आपसे कह देता हूँ। चाय पीने में क्या मुश्किल हो जाएगी? आपको वैसे यकीन नहीं आएगा लेकिन जब भी मैं चाय पीता हूँ ना तो मुझे चढ़ जाती है, नशा आ जाता। नशा आ जाता है? चाय से थोड़ी नशा होता है। मैं आपसे कह देता हूँ, मैंने अगर चाय पी तो मैं आउट हो जाऊंगा। देखिए एक्टिंग वैक्टिंग मत कीजिए, सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? जब लड़की कहती है चाय पी लो तो चाय पी लो, चाहे नशा आए या ना आए, लो पी लो।
आप मुझे मजबूर कर रही हैं, मैं अब किसी बात का भी जिम्मेदार नहीं हूं। ओके एक और मिलेगा? एक और? हाँ हाँ। उम्र गुजर गई लेकिन ऐसा बदचलन आवारा फरेबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और ये तुम्हारा पागलपन है जो कि उसकी याद को अब तक दिल से लगाए बैठी हो। डैडी, उनको अपना समझकर मैंने मन में जो जगह दी थी उन्हें मैं वहां से गिरा नहीं सकती। उनके बारे में ऐसी हल्की बातें सुनती हूं तो मुझे जिल्लत सी महसूस होती है। होगी कोई मजबूरी जो मेरा साथ नहीं दे सके। वो मजबूरी नहीं थी, मक्कारी थी, फरेब था। राम ने हम सबको एक बहुत बड़ा धोखा दिया जना। वो लड़की जो नीचे बैठी है उसके साथ वो कमजोर खुलेआम प्यार का नाटक खेल रहा था। आपको गलत फहमी भी हो सकती है डैडी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो खुद जाकर उसे नीचे पूछ लो। इसीलिए मैं उसे साथ लेकर आया बहन। कैसे है तुम्हारे बाप को? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया जो उन्हें जख्मी हालत में यहाँ तक छोड़ने चली गई। इसमें उपकार की क्या बात है बहन, मेरे भी तो पिता समान है वो। और जब उनके माथे से टप टप खून बहने लगा तो मेरे मन में दया आ गई। इसीलिए जब उन्होंने साथ चलने के लिए कहा तो मैं तुरंत ही चली आई। पर अब मुझे जल्दी घर पहुंचा दो, बहुत देर हो गई है, मुझे डर भी लग रहा है। घबराओ नहीं, उसका बंदोबस्त हो चुका है। सुनो, तुमने अपना नाम शांता बताया ना? हाँ। क्यों, तुम कुमार रामचंद्र जी को जानती हो? लो, रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता, वो तो भगवान है, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, मैं भी करती हूँ। भगवान रामचंद्र जी नहीं, कुमार रामचंद्र जी को पूछ रही हूँ। वो रानी खानदान के बहुत बड़े रईस हैं, काफी मिले हैं, फैक्ट्री हैं बहुत वो। हाय राम, इतना बड़ा धनवान आदमी हमारे गाँव में कहाँ से आया बहन? फिर वो तुम्हारे साथ कौन थे जो पिताजी को देखते भाग गए, मेरे मतलब चले गए? वो कौन थे? वो क्या लगते हैं तुम्हारे? मुझे लाज आती है। उनका नाम कुमार रामचंद्र तो नहीं ना? वो तो हमारी गंगा मौसी के लड़के हैं, बहुत बड़ी खेतीबाड़ी है उनकी। कब से जानती हूँ उन्हें? मैं तो बचपन से ही उनके साथ खेली बड़ी हुई। पहले तो दिन रात ऐसी उधम मचा रहे थे कि कुछ ना पूछो, लेकिन अब ठीक हो गए हैं। हम लोग है ना उन्हें श्याम कहकर बुलाते हैं। श्याम? मैं जानती थी ऐसे कभी नहीं हो सकता, मेरे पिताजी से भूल हो गई। शांता, भारी भूल हो गई। क्या भूल हो गई है, कैसी भूल हो गई है? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। लो गाड़ी आ गई, तुम्हें देर हो रही है, अब तुम जाओ। हाँ, मगर देखो शादी में हमें भूल ना जाना। अच्छा तो मैं चलो। ये मेरे श्याम की तस्वीर यहाँ कैसे आई? ये श्याम की नहीं राम की तस्वीर है शांता, तुम शायद भूल कर रही हो। लो, पाप ना लग जाए मुझे जो पराय मर्द को अपना कहूँ। मैं तो आंखें बंद करके पहचान सकती हूँ इसे, ये मेरा श्याम ही तो है। नहीं नहीं, ये श्याम की नहीं, कुमार रामचंद्र की तस्वीर है। इनके साथ मेरी शादी होने वाली थी, और ये मन घड़त रिश्ता जो तुम उनके साथ जोड़ रही हो ना, बिल्कुल झूठ है, सब झूठ है। चली जाओ यहाँ से, चली जाऊंगी। मुझे मेरे श्याम की तस्वीर दे दो, इसे अपने पास रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इधर लाओ, बको मत, छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो, और चली जाओ यहाँ से।